गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मॉर्निंग मोटिवेशन में हम आपको एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं। ये कहानी आपकी जिंदगी को एक टर्निंग पॉइंट देगी, आपके करियर को एक टर्निंग पॉइंट देगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर एक क्लास में एक प्रोफेसर, एक शिक्षक अपने बच्चों को एक कहानी सुना रहे होते हैं और कहानी इस प्रकार की होती है कि कुछ लोग या काफ़ी लोग जिसे कहते हैं बहुत बड़े जहाज पर सवार थे, अचानक तूफान के कारण वो जहाज जो है डूबने वाला होता है। बहुत तेज तूफान था तो उस तूफान के कारण वहाँ पर जहाज डूबने वाला होता है। सब लोग लाइफ सेविंग बोट के जरिए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक लाइफ सेविंग बोट होती है उस जहाज में, जिसमें इतनी जगह होती है कि वो जगह सब लोगों से भर जाती है और लास्ट में एक सीट बचती, यानी एक आदमी उस लाइफ सेविंग बोट में आ सकता था। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, यहाँ पर पेचीदा पॉइंट ये था कि उस जहाज में दो लोग रह जाते, एक पति और पत्नी। अब या तो उस लाइफ सेविंग बोट में पत्नी जा सकती थी या पति जा सकता था, दोनों का एक साथ जाना संभव नहीं था। यानी कुल मिलाकर वक्त का तकाजा ये था, या तो पत्नी अपनी जान बचा ले या पति अपनी जान बचा ले, दोनों साइमल्टेनियसली अपनी जान नहीं बचा सकते थे। दे कुड नॉट सेव देयर लाइफ साइमल्टेनियसली टूगेदर। शर्त यही थी वक्त की, भगवान की, विधि की, नियति की, कि वो दोनों में से कोई एक जान बचा सकता था। यहाँ पर जिंदगी उनकी अग्नि परीक्षा से गुजर रही थी। यदि पति जान बचाता तो पत्नी की जान जा सकती थी, और पत्नी जान बचाती तो पति की जान जा सकती थी। ये उस समय विधि का एक ओपन चैलेंज था, नियति का एक ओपन चैलेंज था। नीति ने यहाँ पर बिल्कुल दृढ़ हो चुकी थी, अब्सोल्यूट हो चुकी थी कि आप दोनों में से कोई एक जान बचा सकता है। तो वहाँ पर वो प्रोफेसर अपनी कहानी को पूरा करते हुए जाता है और यहाँ पर पति जो है लाइफ सेविंग बोट में कूद जाता है और वहाँ से वो लाइफ सेविंग बोट चली जाती है। और जो पत्नी है वो जाते हुए पति को कुछ कहती है, कुछ बोलती है, जो वो पति सुनता है उस बात को, और वहाँ पर वो पत्नी जाते हुए कुछ बोलती है। प्रोफेसर यहाँ पर एक क्वेश्चन करता है सभी स्टूडेंट से कि उस पत्नी ने, उस औरत ने उस जाते हुए अपने पति को क्या कहा होगा। काफ़ी क्लास या मैक्सिमम क्लास या मैक्सिमम लोग अपना माइंड यूज़ करते हुए कहते हैं कि उसने उसे बद्दुआ दी होगी, उसे स्वार्थी कहा होगा, उसे कहा होगा कि तू अपनी ज़िंदगी बचा रहा है, मेरी ज़िंदगी को खतरे में डालकर, मेरी ज़िंदगी को प्रॉब्लम में डालकर तू अपनी ज़िंदगी को सेव करना चाहता है, तेरे जैसा स्वार्थी इंसान जो है मैंने नहीं देखा, या कुछ भी ऐसा कुछ भी निगेटिव थाट या निगेटिव आस्पेक्ट या अपने मन की तकलीफ या अपने मन का उस समय जो उद्वेग हुआ होगा वो उसने अपने पति से कहा होगा। वहां पर एक बच्चा और होता है, वो कहता है कि नहीं, उसने अपने पति को जाते हुए शुभकामना कही होगी, उसके भावी जीवन के लिए कुछ अच्छा कहा होगा, और ये कहा होगा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, और मेरी जिंदगी की ये आखिरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। उस प्रोफेसर को उस बच्चे की बात पर बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा सरप्राइज होता है, और वो कहता है कि ऐसा तुमने कैसे कहा। तो उस बच्चे का कुछ खास जवाब नहीं दे पाया वो। उसने कहा कि जो नेगेटिव थॉट है ऐसा क्यों होगा, पॉजिटिव थॉट भी तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। क्या वो औरत जिसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू यूज नहीं कर सकती, क्या पति का उसको इस तरह साथ छोड़ जाना जायज था, तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीजन रहा होगा कि दोनों पति पत्नी मर सकते थे, ये परिणाम भी हो सकता था। पत्नी अपनी जान बचाती और पति मर सकता था, ये भी परिणाम हो सकता था। दोनों अपनी जान नहीं बचा सकते थे, ये परिणाम कभी नहीं हो सकता था, पर दोनों मर सकते थे, ये परिणाम तो हो सकता था ना। प्रोफेसर अपनी कहानी को भावुकता के साथ खत्म करता है और आगे कहानी सुनाता है कि वो पति अपने घर पे पहुंच जाता है, पत्नी की उधर डेथ हो जाती है। उन दोनों जोड़े की एक लड़की होती है, वो अपनी लड़की का पालन पोषण कर रहा होता है। उस लड़की को भी मन में वेदना रहती है कि इसने मेरी माँ को जहाज पे छोड़ा और ये वापस अकेले आ गए। ये वेदना, ये तकलीफ उस लड़की को भी परेशान करती है, और वो भी कुछ हद तक अपने पिता को स्वार्थी मानती है, सेल्फिश मानती है। कुछ समय के बाद जब लड़की बड़ी हो जाती है तो उस इंसान की भी मृत्यु हो जाती है। एक दिन जब वो लड़की अलमारी में, कबर्ड में एक लेटर प्राप्त करती है, जहाँ पर उस लेटर में जब वो पढ़ती है तो बहुत अच्छे से शॉक्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है वो। उसे पता चलता है उस लेटर के थ्रू
कि यहाँ पर मेरी मम्मी एक बहुत ही घातक बीमारी से ग्रसित थी, बहुत ही फैटल बीमारी से ग्रसित थी, और वो आखिरी इच्छा थी उस औरत की कि मैं एक शिप पर यात्रा करूं, मैं एक वॉयेज करूं, मैं क्रूज पर जाऊं, ये उसकी अंतिम इच्छा थी। कि उसे पता था मेरी जिंदगी के कुछ काउंटेड डेज हैं, तो वहां पर वो अंतिम यात्रा पूरी, अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो पति उसको जहाज पर लेके जाता है, वो जहाज पर उसको यात्रा करवाता है और उसकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता है। मगर होता क्या है यहाँ पर, वो जब अंतिम इच्छा पूरी करवाना चाहता है तो वो ये इंसिडेंट घटित हो जाता है। तो नेचुरल है, उसकी माँ ने उसे यही कहा था कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरा अंतिम समय तो वैसे भी आएगा और वैसे भी आएगा, इसलिए मेरी बच्ची का ख्याल रखना, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। विधि का जो निर्णय था पहले ही क्रूर हो चुका था, लेकिन विधि ने एक और निर्णय लिया जिसमें क्रूर में और क्रूर कर दिया और इस सारे सिस्टम को एक अग्नि परीक्षा के थ्रू गुजार दिया। ऐसा उसने सोचा, पूरा पढ़ा, उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी का संक्षेप यही है कि जिंदगी में जो दिखता है कभी होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं। इसलिए आप कभी अपनी जिंदगी में हार को हार के रूप में स्वीकार ना करें। हो सकता है वो हार, वो संघर्ष आपके जीवन का पहला स्टेप हो। आप उसे यदि हार मानकर अपना जीवन गुजारना चाहेंगे, अपना कंपटीशन फेस करना चाहेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है। हो सकता है उस हार में, उस संघर्ष में, उस चुनौती में ही आपकी जीत छिपी हो। इसलिए किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी एस्पेक्ट में आपको पराजित नहीं होना है, आपको हार स्वीकार नहीं करनी है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जिंदगी एक चैलेंज है, जिंदगी एक चुनौती है, संघर्ष एक कहानी है, संघर्ष एक कहानी है जिसको सफल होने के बाद हर इंसान को सुनानी है, हर मोड़ पे सुनानी है, हर कदम पे सुनानी है, क्योंकि आपके संघर्ष से इंस्पायर्ड होकर बहुत लोग और संघर्ष करेंगे और संघर्ष की तरफ मूव करेंगे। इसलिए संघर्ष से कभी नहीं घबराना, कभी भी स्ट्रगल से परेशान नहीं होना है और कभी भी अपने जीवन में निगेटिव थॉट को डेवलप नहीं होने देना है, क्योंकि जब भी नकारात्मकता के साथ आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो आपका रिजल्ट भी निगेटिव ही आएगा। पैसिविज्म और ऑप्टिमिज्म में केवल सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क होता है, व्यू का फर्क होता है, थिंकिंग का फर्क होता है, वाइब्स का फर्क होता है और कुछ नहीं। किसी ने ये कहा था या कोई ये कहता है कि एक सुई भी पानी में डूब जाती है, ये भी समय का सच है। और कोई कहता है, किसी ने कहा था कि मैं एक जहाज को भी पानी में तैरा सकता हूं, ये भी समय का सच है। वो प्रकृति के खिलाफ गया, वो नेचर के खिलाफ किया, उसने हजारों टनों लाखों टनों का जहाज पानी पे तैरा दिया। फिजिक्स में हम उसे कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिसने पानी को उस पर तैराया, उस समय उसकी सोच काम कर रही थी। फिजिक्स ने तो बाद में काम किया, मैथमेटिक्स ने तो बाद में काम किया, केवल सोच का फर्क है। तो यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, एक गोल्डन हिस्ट्री, एक डायमंड हिस्ट्री को एनग्रेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को मजबूत करिए। यदि आपके विचारों में मजबूती नहीं है, आपके विचारों में संघर्ष करने की पावर नहीं है, तो आप हर युद्ध को हारेंगे। और यदि बाई चांस कोई युद्ध जीत भी गए, तो इस युद्ध जीतने में कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी सार नहीं है, कोई भी उसका कहानी नहीं है। जिंदगी का मजा तभी है, जिंदगी यदि चैलेंज देती है कि तुम हारोगे फिर भी आप जीत कर दिखाओ, यही आपके जिंदगी का चैलेंज है, यही आपके जिंदगी का मोटिवेशन है। आप दूसरों के लिए एक ऐसी कहानी का निर्माण करें, एक ऐसी कहानी को रचें जहां पर मोटिवेशन अपने आप में जिंदा होकर एक साकार रूप धारण करे और लोगों को इंस्पायर करे कि संघर्ष था तो ये था, मोटिवेशन था तो ये था, जिंदगी में जो दिखता है वो होता नहीं, होता है वो दिखता नहीं। जिंदगी को यदि आप प्राइमा फेसी यदि आप उसको एनालाइज करेंगे, लगता है ये कुछ नेगेटिव चैलेंज दे रही है, वो नेगेटिव चैलेंज नहीं दे रही है, वो आपको पॉजिटिव करने के लिए बेस बना रही है। क्योंकि संघर्ष की सफलता का जो पहली सीढ़ी है वो संघर्ष है। व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस इज बंच ऑफ एक्सपीरियंस। व्हाट इज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस इज द बंच ऑफ बैड एक्सपीरियंस। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यदि आपने अपने दिमाग में बैठा लिया को आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाथ में किताब लेना बहुत दूर की बात है, वो बाद की बात है। पहले आप वो वाइफ क्रिएट करिए, वो बेस तैयार करिए जो विजेता होने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है, कि विनर होने के लिए, विक्ट्री हासिल करने के लिए आपके लिए क्या क्या बेस जरूरी है।
सबसे पहली चीज तो वो है, उसके बाद हाथ में किताब लेना है कि एक विजेता में कैसे गुण होना चाहिए। दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, डिलीजेंस है, कूल रहना जरूरी है, कलेक्शन होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, विजेता के पॉइंट्स हैं। यदि आप ये चीजें डेवलप नहीं होगी, आज तक का जिसने भी इतिहास लिखा है सबसे पहले उसने अपने आप पे काम किया है, वक्त ने, हालात ने, सिस्टम ने बाद में उस पर काम किया, सबसे पहले उसने अपने आप पे काम किया है और इतना डूब कर काम किया है कि उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता कोई दया नहीं है, सफलता आपका अधिकार है। रोरिंग सक्सेस इज योर राइट, नॉट एनीबडीज मर्सी। पर आप इसे मर्सी समझ कर ट्रीट करेंगे, दया के रूप में लेना चाहेंगे, ये आपको तड़पाएगी, और आप इसे अधिकार के रूप में लेंगे तो ये आपका वेलकम करेगी, ये आपके लिए रोल ऑफ रेड कार्पेट करेगी, पुट ऑन पेडेस्टल करेगी। तो विजेता बनने के लिए हाथ में किताब लेना या ज्ञान को गेन करना तो एक बहुत लास्ट स्टेज है और अंतिम स्टेज है। वो अंतिम स्टेज है, वो प्राइमरी स्टेज नहीं है। प्राइमरी स्टेज है अपने आप को कॉन्फिडेंट के बतौर आप कितना कॉन्फिडेंट कर सकते हैं। कोई भी, आप नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, नेचर भी आपको ये सिखाती है, आप अपने ज्ञान की परवरिश करें। डू यू मीन व्हाट यू मीन परवरिश? परवरिश में डेडिकेशन आता है, डिलीजेंस आता है, डिवोशन आता है। परवरिश एक अलग वर्ड है, पालना एक अलग वर्ड है। परवरिश वो हाई वोल्टेज वर्ड है जो जिंदगी में इंस्पायर की आग पैदा कर देता है, एक वॉल्करिक एटीट्यूड पैदा कर देता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको लेते कैसे हैं, आप उसको लेते कहते हैं कैसे हैं। पैसिविज्म और ऑप्टिमिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आशावाद और निराशावाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बशर्ते आप उसको ट्रीट कैसे करते हो। जिसने हवाई जहाज बनाई उसका ऑप्टिमिज्म था, उसका आशावाद था कि मैं एक इतनी भारी मशीन हवा में तैरा सकता हूँ। किसी के दिमाग में ख्याल आया यदि हवाई जहाज बीच में खराब हो जाए, उसने पैसिविज्म पर काम किया, उसने पैराशूट को डेवलप कर दिया। लेकिन उसके पैसिविज्म में भी ऑप्टिमिज्म था, उसके पैसिविज्म में भी ऑप्टिमिज्म था। क्षण भर के लिए उसके दिमाग में पैसिविज्म आया, लेकिन उस पैसिविज्म को उसने ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर आर्ट, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर वाइफ, दैट हाउ कैन यू हैंडल विद स्ट्रगल विद प्रॉब्लम्स। जिंदगी में जितने भी बड़े आदमी है, सक्सेसफुल आदमी है, हम है, यहाँ पे सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम का लेवल एक है। प्रॉब्लम ऐसा कोई इंसान ही नहीं है, ना कभी इस दुनिया में होगा जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं, आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, ये आप पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप संघर्ष को सोल्यूशन समझ के हैंडल करते हैं बहुत ईजी है, लेकिन आप सोल्यूशन को भी संघर्ष समझ के हैंडल करते हैं, इसका इलाज किसी ब्रह्मास्त्र के पास नहीं है, किसी ब्रह्मा जी के पास नहीं है, किसी भगवान के पास नहीं है। आपके इंस्पिरेटर, आपके मोटिवेटर, आपके डायरेक्टर आप खुद हैं, आपके वर्ल्ड मेकर आप खुद हैं, आपकी डेस्टिनी के वर्ल्ड मेकर आप खुद हैं। डिपेंड तो आप पर है, भगवान ने आपको इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतना डायनामिक पावर दिया है कि आप इसका यूज करें तो आप दुनिया हिला सकते हैं। आपको तो एक पेपर हिलाना है, आपको तो एक पेपर चैलेंज करना है, आपको तो पेपर का गुरूर तोड़ना है, एक छोटा सा काम ही तो करना है, और आपको क्या करना है इसके अलावा, और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, मदरिंग मोटिवेशन में ये आज का हमारी कहानी, यदि आपको पसंद आई, हमारा प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया, तो आप इस मोटिवेशन पर काम करें, अपने करियर को एक अच्छी उड़ान दें, अपने सपनों को एक नए पंख दें, और उस डिजी हाइट पर पहुंचे, उस हाइट पर पहुंचे जहां पर पहुंचने का कोई सपना भी देखना पाए। यदि आपको ये कहानी, ये प्रेजेंटेशन, ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं, आप सबको हार्दिक नमस्कार और आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।